नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जब से नए राष्ट्रपति बनी है तब से शबनम केस में एक जैसे लगता है कि एक नया उछाल आ चुका है, यानी कि सभी को ये आशा है कि बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट आने वाला है। इसी दौर में सब अपनी अपनी राय या सब अपने अपने लोग जितने भी हैं वो राष्ट्रपति से अपील कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनके उनकी इच्छाएं क्या है। तो आज आपको इस वीडियो में सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं कि शबनम का चाचा क्या करने वाला है। शबनम का चाचा राष्ट्रपति से मिलने के बाद क्या कहा, उसने राष्ट्रपति से क्या अपील की, ये सब कुछ आपको इस 2 मिनट के वीडियो में जानने को मिलने वाला है। तो उससे पहले, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अभी से लाइक कर दे, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करोगे तो मैं फिर से एक वीडियो कोशिश करूंगा बनाने की, ताकि आप लोगों के पास हर दिन आपको एक लेटेस्ट अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब से नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है तब से शबनम केस में एक उछाल आया है, यानी कि सब लोग को ये अब आशाएं लगने लगा है, जो कह सकते हैं कि अब न्याय मिलने वाला है शबनम के परिवार को। लेकिन ये न्याय जो है 14 साल से इंतज़ार कर रहा है कि अब न्याय मिलेगा, अब न्याय मिलेगा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी, जो कह सकते हैं, एक रिज़ल्ट नहीं आया है। रिज़ल्ट कहने का मतलब है, भले ही फांसी की सज़ा सुना दी गई है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द जो है फांसी की तैयारियाँ पूरी होने वाली है, या कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जो अपडेट है डेथ वारंट के रूप में, वो आप लोगों को जानने को मिलने वाला होगा, वो भी बस हमारा चैनल पे। दोस्तों, आज जो है शबनम का चाचा, जो कि काफ़ी सुर्खियों में रहा है शबनम केस में, उसका चाचा और चाची, चाचा ने राष्ट्रपति से एक बहुत बड़ी अपील की है। जी हाँ, एक ऐसी अपील जो सुनने के बाद आपको भी आश्चर्य लगेगा। दोस्तों, उसका चाचा को, जैसे कि सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग का ये मानना है कि उसका चाचा जो है शबनम की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है, लाखों की प्रॉपर्टी को वो हाथ से नहीं गंवाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि ये प्रॉपर्टी जो है वो ताज को मिली, इसीलिए वो हर संभव ये प्रयास करने में लगा रहता है कि किसी भी तरह जल्द से जल्द जो है शबनम को फांसी में चढ़ा दिया जाए। ठीक ऐसा ही हुआ है, शबनम के चाचा ने भी राष्ट्रपति से एक अपील की है कि शबनम को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और शबनम के परिवार को न्याय मिलनी चाहिए। ये एक सबसे बड़ी बात जो है शबनम का चाचा ने खुले आम कहा है राष्ट्रपति से। तो दोस्तों, अब अगली जो आपको वीडियो जानने को मिलेगी आने वाले समय में, एक बहुत बड़ी फांसी के ऊपर अपडेट आने वाली है शबनम की। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें अभी तक जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियो अगर आज का पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना जाते जाते। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।